सर ये बिल्कुल गलत है। अरे बख्शी राम जिनका मकान गिरा था वो मेरे पास सुबह 26 तारीख सुबह 6:30 बजे आए और मैं तुरंत उसी 7:45 बजे इनके घर में पहुंचा और ये अपने नए मकान में थे वहाँ पर 2-3 आदमी मैंने स्वयं खुद जाकर मकान का मौका देखा कि वाकई इनका मकान जो था वो भारी वर्षा के कारण ध्वस्त हुआ है, जिसका मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट मैंने खुद पटवारी को अपने फ़ोन से फ़ोन किया कि आप आइए और जल्दी इनका मतलब जल्दी से मौका देखिए। पटवारी ने मेरे साथ और बख्शीराम भी मेरे पास बैठे हुए थे, जिस पर मैंने पटवारी को फ़ोन किया और उसके बाद बख्शीराम जी फिर मेरे पास 1:30 बजे आए, मतलब ये वो रेवेन्यू वाले नहीं आए। फिर मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को फ़ोन किया पटवारी को, पटवारी ने कहा कि हम बात भर कानगो और मतलब मैं स्वयं आ रहे हैं। उसके बाद 3 बजे कानगो और हल्का पटवारी ताल मौका पर आए और मैं उनके साथ था। मेरे वार्ड पंच थे और चंद एक गाँव के महत्वपूर्ण आदमी थे और उसके मकान का मुआयना किया गया और हमने रेवेन्यू विभाग से पूरी गुजारिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको मुआवजा जो मिलना चाहिए। और जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है वो बिल्कुल गलत है कि मौका पर कोई भी पंचायत प्रतिनिधि नहीं गया। मौका पर ये मेरे से जाने के बाद वार्ड पंच सीजला भी मौका पर गई थी, जिन्होंने स्वयं मौका देखा। प्रधान साहब गए थे और 7:30 के करीब हमारे घर में थे जी। तो आपके बेटे ने स्टेटमेंट दी कि सारा गलत है।